नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े कम हो रहे हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया में भी इन दिनों कोरोना वायरस कम होने लग गया है, तो यकीन मानिए कि आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति में हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि एक बार फिर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने लग गई है और पूरी दुनिया इस तीसरी लहर से परेशान है, तो वहीं इसका डेल्टा प्लस वेरियंट इतना खतरनाक है कि लोग इससे डरे हुए हैं। अब ऐसी ही एक और खबर आ रही है, दुनिया में कोरोना केस में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। जान जाने के मामलों में ब्राजील पहुंच चुका है दूसरे नंबर पर। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। इस समय अमेरिका देश के सबसे अधिक संक्रमण से प्रभावित है। कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 18.3 करोड़ हो गए हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39.6 लाख हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी है। शनिवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मरने वालों की संख्या 18 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों की जो संख्या है वो भी लगभग 39 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। CSE के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक मामलों और जान जाने की संख्या क्रमशः 33 करोड़ के आगे है। और दोस्तों, इससे पूरी तरह से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और देखने को मिल रहा है कि जो ब्राजील देश है वहां पर दोस्तों जान जाने का जो आंकड़ा है वो लगातार कोरोना वायरस से बढ़ता जा रहा है और अब ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि कोरोना वायरस से इतनी जल्दी भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है और तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर भी लोगों के अंदर एक ही डर देखने को मिल रहा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।